ये दोस्तों मिलीपीड है। मिलीपीड इसका नाम इसलिए दिया गया है कि इसके शरीर के निचले हिस्से पर अगर आप देखें तो बहुत सारे सेट ऑफ लेग आपको दिख जाएंगे, कई सारे पैर हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसके 1000 के आसपास पैर होते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा काउंटिंग में मिला है वो तकरीबन 375 पेयर्स था, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन 700 750 के आसपास। तो 1000 तो नहीं पहुंचता है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसके पेयर और लेग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब बात करें कि इकोसिस्टम में इसका क्या रोल है, उससे पहले हम बात करते हैं कि लोगों में ये भ्रांति है कि ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है और अगर काट ले तो सिर फट जाता है, दिमाग फट जाता है और मनुष्य की जो है वो जान चली जाती है। हम अभी एक रेप्टाइल की रिलीज पर गए हुए थे और ये हमें सड़क पर यूं ही गुजरता हुआ दिख गया, तो सेफली इसे पार कराने के लिए हम रुक गए ताकि ये इजिली पार कर जाए। वैसे इसे हाथ से उठाकर भी किया जा सकता था, लेकिन वैसी परिस्थिति में ये अपने आप को राउंड अप कर लेता है, कॉइल अप कर लेता है, और ये इसके डिफेंस का एक मैकेनिज्म है। ये एक प्रकार का केमिकल भी रिलीज करता है अगर इसे ज़्यादा परेशान किया जाए तो। एनवायरनमेंट में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये सूखी लकड़ियों को, पत्तों को डिकम्पोज करके अच्छा एक ह्यूमस का निर्माण करता है, सॉइल की फर्टिलिटी में बहुत हेल्प करता है, और ये अक्सर उन जगहों पर ज़्यादा देखा जाता है जहाँ पर अर्थवर्म नहीं होते। अर्थवर्म्स यानी केचुए, और चाहे केचुए हो या ये मिलीपीड्स, ये दोनों ही किसान के बहुत ही अच्छे साथी हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार हम सांपों को किसान का मित्र कहते हैं। तो दोस्तों, इन मित्रों को केवल किताबों तक सीमित ना रहने दें, इन्हें वास्तविकता में लाना जरूरी है, इनसे जुड़े अंधविश्वासों को मिटाना जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास के फेर में कई बार इनकी अहमियत समझे बिना हम इन्हें मार देते हैं और पर्यावरण को बेहद ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसी नोट पर दोस्तों इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये किनारे तक पहुंच गया, अब आराम से ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, और जो इसका रोल एनवायरनमेंट में है डिकम्पोजिंग का, उसको ये बेहतरीन तरीके से पूरा करेगा। सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों टीम एजियन, प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।